क्रिसमस से पहले रूस ने खरसोन पर बोला हमला, खरसोन में दागी एक के बाद एक मिसाइल, खरसोन खाली करने के बाद पहली बार बोला रूस का है। खरसोन के कई इलाकों में रूस ने किया हमला, रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 68 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। रूस की सेना ने हमले का वीडियो किया जारी और जिसमें यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हुए। रूस ने एक बार फिर खार्किव और डोनेस्क में हमले का दावा किया। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया है। यूक्रेन की सेना बखमूत में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को बाहर निकाला गया। युद्ध में जान गंवाने वाले कई लोगों का खार्किव में एक साथ अंत। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। संस्कार किया गया, इस दौरान हर कोई बेहद भावुक नजर आया। को लेकर एक बड़ा दावा किया गया, पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए कई मिसाइल तैनात कर दी है जो परमाणु हथियारों से लैस है। यूक्रेन ने बेलारूस को लेकर एक बड़ा दावा किया, बेलारूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं रूस ने बेलारूस में मिसाइल तैनात कर दी है। जंग के बीच यूक्रेन के मारेपोल के एक चौक पर रूसी सेना के अधिकारियों ने एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया। 20 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री को सेंट पीटर्सबर्ग से लाया गया था। 10 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यूएन ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में यूक्रेन के 68 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा है।